प्राचीन ज्ञान को हम यहीं से ले रहे हैं कि जैसे हमने प्रतिज्ञा जब की थी और जब ये पूरे सब्जेक्ट हमारे बीच आपके बीच तय हुए थे तब यही हुआ था कि प्राचीन और अर्वाचीन को हम ऐसे ही लेंगे कि वैदिक ज्ञान, उनके दर्शन, उनके शास्त्र और उनके उपनिषद आदि एक तरफ रहेंगे और पिछले कुछ वर्षों का ज्ञान अर्वाचीन ज्ञान में उपस्थित होगा। इसी प्रकार से लिया गया था जो आप कह रहे हैं कि नया और पुराना नहीं है, वो नित्य है, वो तो हम भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि वो ज्ञान जो साहचर्यता का नियम निभाता है, हम उस ज्ञान की बात कर रहे हैं। हमने सिर्फ आपकी उस बात का खंडन किया है जिसमें आपने कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो उनसे ज्यादा पुष्ट होते हैं और उनको सहारा देते हैं। जैसे कि आपने कहा वेदों का उदाहरण जो दिया, तो वेद तो नित्य है, तो नित्य होता है, वो प्राचीन होता नहीं है। फिर भी अगर आप हम थोड़ा मान भी लें कुछ देर के लिए कि वेद का आप नित्य मान, प्राचीन मान रहे हैं, तो वेद श्रुत परंपरा से आया और श्रुत परंपरा शब्द के आधार पर थी। शब्द निकलते ही खत्म हो जाता है, दूसरा शब्द स्टार्ट होता है, ऐसा माना जाता है। तो शब्द नित्य नवीन होता जाता है और नवीन के आधार पर नवीन ज्ञान श्रेष्ठ है। जो अमित जी ने कहा कि शब्द नित्य नहीं होता, उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है, ये ज्ञान आपको कहां से मिला? इसका मूल बताएं, प्रामाणिकता इसकी सिद्ध करें। आपने बोला वो खत्म हुआ ना? नहीं, अभी आपने जो यूज किया थे शब्द वो खत्म हो गए, इसकी प्रामाणिकता क्या है? सुन लीजिए कि आपने मैंने बोला वो आप तक गया, आपने सुना वो है, सबने सुना वो तो नित्य है, आपको अभी तक याद है। ये बहस का विषय नहीं है, आप विषय से भटक रहे हैं। आपने वेदों की श्रेष्ठता को माना है ना कि नित्य है, वो नया पुराना नहीं है, तो अगर आप वेदों की श्रेष्ठता मान रहे हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं, वो हमारा ही पक्ष स्वीकृत है आपसे। आज का अभ्युपगम से माना था उसको नित्य नहीं, अभ्युपगम से माना था, अभ्युपगम से इसको माना था। देखिए आपने जो वेदों को मानने पर हमें जो बधाई दी उसमें हम भी आपको बधाई देते हैं कि सब ज्ञानों का आधार तो वेद ही है, परंतु वेद प्राचीन नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं वेद तो नित्य है, सदा था, सदा रहेगा, सृष्टि के बाद भी रहेगा। एक बात इस बिंदु पे और बात नहीं करेंगे, वेद तो प्राचीन के अंतर्गत हम प्रारंभ से लेके चले हैं, उसको प्राचीन मानते हुए ही ये सारी चर्चा चलेगी, क्योंकि वेद को यदि मानेंगे नहीं तो प्राचीन का आधार ही नहीं होगा कहीं से, इसलिए इनको वेद को, वेद का आधार इनको रखना ही होगा। और वेद की जो सार्वभौमिकता और जो भी है वैज्ञानिकता प्रामाणिकता, और आपका जो अर्वाचीन पक्ष है उसमें कंप्यूटर से लेकर के साइंस से लेकर टेक्नोलॉजी से लेकर के वर्तमान में जो आविष्कार हुए हैं वो अर्वाचीन के अंदर हैं। तो आप उस अर्वाचीन की श्रेष्ठता के कुछ ऐसे उदाहरण दीजिए कि जो है जिनके बिना इनका कार्य ना चलता हो। अभी मौका नहीं मिला, वो आगे करें। इनके पंचावयव में आपको कोई और दोष दिखाना हो, खंडन करना हो, तो उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। तो उनका तो हेतु ही नहीं सिद्ध हुआ प्रामाणिकता, और उदाहरण कंप्यूटर भी नहीं सिद्ध हो पाया, और उपनय प्रतिज्ञा निगमन तो सिद्ध करने और खंडन करने योग्य है होते ही नहीं, तो हेतु उदाहरण ही इनके असिद्ध है। तो अब ठीक है, ठीक है, अब आपका पक्ष हुआ, अब आगे चर्चा तो दोबारा आगे चलेगी, लेकिन अब प्रतिपक्ष को अवसर है, वो पक्ष के पंचावयव में कोई दोष दिखाना चाहे, खंडन करना चाहे तो कर सकते हैं। इसमें जो सर्वांगीण शब्द का प्रयोग हेतु में किया गया है, ये जो इन्होंने कहा कि सर्वांगीण विकास देखा जाता है, उसका जो उदाहरण इन्होंने स्वामी जी महाराज को दिया, स्वामी जी महाराज ने जितना भी कार्य किया है उस कार्य में जितना सहयोग प्राचीन ज्ञान का है उससे अधिक सहयोग अर्वाचीन ज्ञान का है। क्या बात, सहयोग तो आपने शुरू में ही किया था कि अर्वाचीन प्राचीन के सहयोग के लिए वो बालक है, वो प्रौढ़ है, ये तो हमने मान लिया था कि हाँ अर्वाचीन से जो है प्राचीन का जो है श्रेष्ठता साबित ही है, तो प्राचीन का ही प्रचार प्रसार अर्वाचीन के माध्यम से किया गया, इसमें तो हमारा अर्वाचीन की प्रासंगिकता को हम नकार नहीं रहे, अर्वाचीन प्रासंगिक है हमारे प्रत्येक जीवन में, हमारे व्यवहार में है, ठीक है, पर श्रेष्ठता पे विषय है, तो प्राचीन ज्ञान श्रेष्ठ है क्योंकि प्राचीन ज्ञान के मूल तत्व योग आयुर्वेद आदि का ही प्रचार किया गया, उसको आप नकार नहीं सकते। महोदय यदि प्राचीन ज्ञान ही श्रेष्ठ होता और अर्वाचीन ज्ञान का उसमें बहुत अधिक सहयोग योगदान नहीं होता, तो प्राचीन जितने भी तौर तरीके थे उनसे आप प्रचार करके देखिए, कितने ऋषियों ने प्रचार किया, उनका कितना परिणाम मिला, कितने व्यक्तियों तक योग पहुंच पाया, उस पर जरा आप खुद गौर कर लीजिए। वेदों में कहा गया, वेदों में कहा गया है आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः, लेट ऑल नोबल थॉट्स कम टू अस, सभी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान हमारे पास आए,
तो उसके तहत अगर हमने बताया कि प्रासंगिकता तो हमने स्वीकार ही है, अर्वाचीन के प्रासंगिकता है तो चार माध्यमों में, विज्ञापन में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, माउथ मीडिया और अन्य अन्य प्रकारों, तो वो तो हमें स्वीकार है, उसमें तो कोई बात नहीं, श्रेष्ठता पे विषय है। आपने हमारा परिश्रम कम कर दिया, आपका धन्यवाद। आपने स्वयं ही अर्वाचीन ज्ञान का कि यदि विशेषता स्वीकार कर ली हो तो इस बात का आगे कुछ विशेष महत्व नहीं। शब्दों को ग्रहण करें उसके भावों से, मैंने कहा उसकी प्रासंगिकता को नहीं नकारा जा रहा है, श्रेष्ठता पे विषय है कि प्राचीन ज्ञान श्रेष्ठ है। आप शब्दों में स्वयं को ऐसे भरमा रहे हैं तो अच्छा है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो। आप अर्वाचीन ज्ञान में जो जो सर्वांगीण विकास था उसका कुछ प्रमाण दीजिए। प्राचीन ज्ञान के प्रमाण में हमने उदाहरण में परमपूज्य स्वामी जी को दिया है, आप एक उदाहरण तो खंडित कीजिए, आगे तो उपलक्षण से अन्य उदाहरण भरे पड़े हैं। देखिए, एक ही विषय को बार बार अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो मैं दोबारा बता देता हूं कि स्वामी जी महाराज ने जो इतना बड़ा कार्य किया है जो प्रत्यक्ष है, और इसमें जो साधन प्रयोग किए गए वो भी प्रत्यक्ष हैं, उनको आप झुठला नहीं सकते। ये जो आप प्राचीन ज्ञान की बात कर रहे हैं वो तो स्वामी जी से पहले भी था, पहले भी कितने लोगों ने प्रयास किया, वो इतने सफल क्यों नहीं हो पाए और स्वामी जी इतने सफल क्यों रहे, इसके पीछे अर्वाचीन जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, उसी का सहयोग है, उसी का योगदान है। महोदय, हम सर्वदा ही यह जानते हैं कि एक साधन होता है, एक साध्य होता है, कभी भी कोई भी साधन साध्य से बड़ा नहीं हो सकता है। जिस प्रकार के भी उपकरणों का प्रयोग स्वामी जी महाराज अभी कर रहे हैं वो मात्र साधन है और वो साधन ही रहेंगे, वो साध्य का स्थान कभी नहीं ले सकते हैं। साध्य हमारा प्राचीन ज्ञान की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करना ही है और वो सदैव ही रहेगा, उसको ही वो कर रहे हैं। इनकी बात पर सब ताली बजाते, इनकी पर बजवानी पड़ती है। देखो ये कोई बात नहीं स्वामी जी, ये अमित सेटिंग करके आया। स्वामी जी महाराज जो अर्वाचीन ज्ञान के पोषक हैं वो अपनी सेटिंग कर ही लेते हैं। महोदय, आपने जो कहा कि साधन साध्य से बड़ा नहीं होता, तो इसमें साधन साध्य का जहां आप भाव देख रहे हैं वो आपकी बुद्धि की अल्पता को दिखाता है। ये दोनों साधन ही हैं, अर्वाचीन ज्ञान भी साधन है, प्राचीन ज्ञान भी साधन है। साध्य तो हमारा अपवर्ग है। साध्य क्या है? साध्य तो अपवर्ग और हमारा निश्रेयस है, हमारा उत्कर्ष है। अपवर्ग निश्रेयस क्या? तो जिसको आप अपवर्ग कह रहे हैं, पहली बात तो यह है कि वो शब्द क्या आपके अर्वाचीन ज्ञान से आया है या प्राचीन ज्ञान से आया है, इसको स्पष्ट कर। मुकाबला तो जोरदार चल रहा है। महोदय, आप जो पूछना चाह रहे हैं वो आप केवल शब्दों के जाल में हमें भटकाना चाह रहे हैं, परंतु हम भी भटकेंगे नहीं। आपने जो कहा कि ये अपवर्ग आपका है दयाराम जी, कि जो अपवर्ग शब्द कहां से आया, तो शब्द कोई एकदम से उत्पन्न नहीं होते, शब्द तो सृष्टि के साथ से ही, जब से मानव का जन्म हुआ तभी से चले आ रहे हैं, उन शब्दों का प्रयोग करना कहीं वर्जित नहीं है। इससे यह सिद्ध नहीं हो जाता कि शब्द अगर किसी ने बनाए थे तो शब्द बनाने वाला ही श्रेष्ठ है, उन शब्दों पर जो अन्य प्रयोग करता है, जो उस पर जो नई नई बातें खोजता है वो उससे कम हो जाता है, ऐसा नहीं है। महोदय, मैं शब्द मात्र को नहीं ले रहा हूं, आपने जो अपवर्ग बताया है उस अपवर्ग का जिक्र कहां आया है वो बता दीजिए, वो है कहां, उसका उल्लेख कहां हुआ है वो बता दीजिए। उल्लेख कहां हुआ ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं। तो हम तो जानते ही, हम तो जानते हैं कि प्राचीन ज्ञान से आया और प्राचीन ज्ञान श्रेष्ठ है, साथ साथ आपने मान लिया खुद ही। साथ साथ आप ये भी जानते हैं क्योंकि जब आपने कह दिया है कि वही साध्य है और अंतिम लक्ष्य वही है और जो भी हम देख रहे हैं वो सब साधन है और साध्य ही को प्राप्त करना है, साध्य ही का जो वर्णन आया है वो प्राचीन ज्ञान में आया है, तो आप तो स्वयं ही नतमस्तक हो रहे हैं प्राचीन ज्ञान के सामने। देखिए, ना तो हम प्राचीन ज्ञान को नकार रहे हैं और ना ही आप अर्वाचीन ज्ञान को नकार रहे हैं, हम केवल श्रेष्ठता की बात कर रहे हैं कि श्रेष्ठ जो है वो प्राचीन ज्ञान से अर्वाचीन ज्ञान अधिक श्रेष्ठ है। सुनिए, जो आप बोल रहे हैं ये शब्द भी आपने अर्वाचीन ज्ञान से ही सीखे हैं, क्या 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 गहरे जो आपने सीखे हैं जिनसे आप शास्त्र पढ़े हैं।
शब्दों के सीखने पे जो आपने बताया कि ये नए से सीखा है, तो ये तो हमारी बहुत प्राचीन परंपरा है, श्रुत ज्ञान परंपरा, उसके माध्यम से ही हमने ये सीखा है ना? हमने अपने अध्यापकों से, श्रुतियों के माध्यम से, और जो श्लोक आदि हैं परम पूज्य महाराज जी के डेली के वक्तव्यों से, प्रवचनों से, सुबह के सत्संग से, वो सब अष्टाध्यायी के प्रत्याहार सूत्रों से और पाणिनी प्रत्याहार सूत्रों के विषय में शायद आप लोगों को पता भी न हो कि वो मानव मस्तिष्क की सर्वश्रेष्ठ कृति कहा जाता है, और कंप्यूटर और आपने जो कंप्यूटर का उदाहरण दिया है, कंप्यूटर ने भी सर्वश्रेष्ठ भाषा के रूप में संस्कृत को ही मान्यता दी है, जिसमें आप इस बात को भूल रहे हैं प्रभु, आप इस बात को भूल रहे हैं कि जो अष्टाध्यायी आपने पढ़ी है वो भी अधिकतर कंप्यूटर से ही छपी हुई है। जो छापने की बात आप कह रहे हैं ना, वो छापने वाले प्राचीन ज्ञान से समृद्ध थे, तभी उन्होंने ऐसी मशीनों का आविष्कार किया जिससे वो छप रहा है, और वो सब तो ना? और छापा क्या है, वो तो पहले से ही प्रमाणित था, उसको नए कागज पर उतार दिया, ये छापता है, वो तो सबके दिमाग में पहले से ही प्रतिष्ठित है। देखिए, जो ज्ञान होता है उसका मूल उद्देश्य होता है तत्व ज्ञान को जानना, और उसको जो जैसा जाना है उसका प्रयोग व्यवहार में करना। आप जिसको प्राचीन ज्ञान कह रहे हैं, आप उसको व्यवहार में कितना अपनाते हैं? प्राचीन ज्ञान के व्यवहार को अपनाने की बात आपने कही है, तो प्राचीन ज्ञानों में हमारे कहा गया है कि सात्विक रहिए, हम सात्विक रहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, योग कीजिए, योग करते हैं, आसन प्राणायाम कीजिए, वो करते हैं, सात्विक आहार लेते हैं, मैत्री भाव से रहते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, गुरुओं की आज्ञा का पालन करते हैं, राष्ट्र की सेवा करते हैं। मैं कितने बताऊं आपको, और आपने जो तत्वज्ञान की बात की कि आप अर्वाचीन के माध्यम से तत्वज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, कैसे? जो अर्वाचीन ज्ञान को प्राप्त करने की जो परंपराएं हमने लोक में देखी हैं, सुबह देर से उठना, कोक खाना, बर्गर खाना, पिज्जा, मटन, ये वो, उससे आप तत्वज्ञान की प्राप्ति की बात कर रहे हैं? ये जो बात आपने कही है पिज्जा इत्यादि खाना, ये अर्वाचीन ज्ञान में नहीं आता, ये कुछ मूर्खों का कहना है, तो मूर्खों की बात को सब स्वीकार नहीं कर लेते, ठीक है ना। और रही व्यवहार की बात में, तो व्यवहारिक में जो आप यूज करते हैं, जैसे आज आप जो कपड़े पहने हैं, जिस चश्मे का आप उपयोग कर रहे हैं, जिस माइक का आप उपयोग कर रहे हैं, आप जिस घर में रह रहे हैं, जिस पंखे का यूज कर रहे हैं, इन लाइट का यूज कर रहे हैं, माइक ना होता तो भी हमारी वाणी भगवान ने प्रखर की है, आपको सुनाई पड़ता है। और कपड़ों की बात की है, तो हमारे प्राचीन शास्त्रों में घटपट का बहुत उदाहरण है, पट बहुत पहले से है, ठीक है। और रही चश्मे की बात, तो अन्य ऐसे तब साधन थे जो कि अब प्रयोग में नहीं है, वो होते अभी भी प्रयोग में, अगर आपके ऐसे चीजें सस्ते ना होते, उसमें कोई बाधा नहीं। देखिए महोदय, विषय को खामखा लंबा खींचा जा रहा है। यदि आप प्राचीन ज्ञान का इतना दम भरते हैं, तो अभी तक तो आप जो पट का आप नाम ले रहे थे, पट में अभी तक अवयवी को नहीं खोज पाए हैं, अवयवों को ढूंढते ढूंढते अवयवी नहीं मिलता, इतना तो आप तरक्की नहीं कर रहे। हम तो चांद मंगल तक होके आए हैं, हम तो आंखें बदल देते हैं, कुर्ते बदल देते हैं, मुर्दे को जब तक प्राण ना निकले तब तक बचाने का प्रयास करते हैं, और उसमें कामयाब भी होते हैं। और स्वामी जी महाराज ने जिसका प्रचार किया है उसमें अर्वाचीन ज्ञान की विशेषता है, प्राचीन ज्ञान का थोड़ा अंश है। महोदय, आपने कहा है कि आप चांद और मंगल तक पहुंच आए हैं, तो आप कृपया ये बताइए अपने अर्वाचीन ज्ञान के माध्यम से कि जिस मंगल और चांद पर आप घूमकर आए हैं उनके कितने कितने उपग्रह और क्या क्या उनके रंग हैं। यदि आप ऐसा ही कहते हैं, आप कहते हैं कि हम नहीं घूम के आए हैं, अर्वाचीन ज्ञान वाले घूम के आए हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप ये आक्षेप कर रहे हैं सर्वथा गलत है, क्योंकि हमारे यहां लाखों करोड़ों वर्षों से जो दिनों के नाम हैं वह ग्रहों के ही नाम पर हैं, वो वहां घूम भी आए हैं। हमारे यहां पौराणिक सभ्यता में देखा जाता है प्रत्येक दिन का एक अलग ही रंग प्रयोग किया जाता है,
जिसमें बृहस्पति के दिन पीला ही रंग प्रयोग होता है, शुक्रवार के दिन लाल ही रंग प्रयोग होता है, शनि के दिन काला रंग प्रयोग होता है। मैं ये नहीं कहता कि वो पौराणिक जितनी मान्यताएं हैं वो प्रासंगिक कितनी है कितनी नहीं, परंतु यह उनके अपने अपने रंगों के आधार पर है। जैसा बृहस्पति ग्रह का रंग है पीला, वैसा ही यहां पर उस पीले रंग का प्रयोग होता है। वो क्यों हुआ? वो वहां तक पहुंच आए, रंग देखकर आए हैं, उन्हीं के नाम रखकर आए हैं, उन्हीं के दिनों, उन्हीं के नाम पर दिनों के नाम रखे गए हैं। इतना हमारा पूरा सौर मंडलीय जो ज्ञान है वो इतना सटीक है कि आप करते हैं कि हमारा 365 सही 1/4 का एक वर्ष है, इतना ज्यादा उसमें कंफ्यूजन होता है। हमारे यहां आप देख लिए सूर्य का पंचांग, चंद्रमा का पंचांग, अभी आपने जो सौर मंडल की बात की है, दो ही ग्रहों की बात की है। मैं आगे आपको बता दूं कि 4 बार आपकी खोज इसमें खंडित हो चुकी है। कभी कहते थे 10 ग्रह हैं, कभी कहते थे 9 ग्रह हैं, अब कहते हैं कि वो लघु ग्रह हो गए हैं, अब 8 ग्रह मानते हैं। वो पहले कहते थे शनि के 5 उपग्रह हैं, फिर कहा 6 हैं, लेकिन महर्षि आर्यभट्ट ने आज से भी ईस्वी से भी 1500 वर्ष पूर्व यह बता दिया था कि उनके 7 उपग्रह हैं और 8वां वो आज तक भी नहीं खोज पाए हैं, क्योंकि 8वां है ही नहीं। महोदय, जो आपने प्राचीन महापुरुषों की जो आपने बढ़ाई की है उससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करते। उन्होंने जो श्रम किया है वो अच्छा किया है, परंतु अर्वाचीन ज्ञान ने कितना उसने हजारों गुणा जो श्रम किया है कि एक व्यक्ति के द्वारा बोली गई बात आज पूरे विश्व में एक साथ सुनी जा सकती है, एक व्यक्ति द्वारा दिखाया गया एक दृश्य सारे विश्व में एक साथ देखा जा सकता है, एक छोटे से कंप्यूटर की एक चिप में, एक छोटे से मोबाइल में आप सैकड़ों नहीं हजारों ग्रंथों का संकलन कर सकते हैं, एक अंधे को दिखाया जा सकता है, एक लंगड़े को दौड़ाया जा सकता है। ये सब अर्वाचीन ज्ञान का ही प्रताप है। जो बातें आपने कही वो ये तो अतिशयोक्ति में जाकर कही हैं, और जिस अंधों को दिखाने की और दौड़ाने की बात आप कर रहे हैं तो आपको भी ज्ञात है कि उसी अर्वाचीन से पढ़े हुए MBBS डॉक्टर्स आज डॉक्टर कम और मानव अंग तस्कर ज्यादा जाने जाते हैं, तो ये कितनी श्रेष्ठता है। और रही अंधे को देखने की बात, तो महाभारत काल में संजय को भी दिव्य दृष्टि में पहले योग्यता के अनुसार मिलती थी, अब थोड़ा अर्वाचीन में उसके नए प्रयोगों अनुसंधान हो गए हैं, सबको सहज रूप में उपलब्ध हो जाता है साधन की दृष्टि से जाति आयु भोग के कारण है? उसके अलावा जैसा आपने ये कहा कि आंख को देखने की बात, तो भगवान की जो न्याय व्यवस्था थी उसके अनुसार वो सब ऐसा है। आप भगवान की व्यवस्था के ऊपर हस्तक्षेप करते हैं, उसका रिजल्ट आपको केदारनाथ आपदा आदि भूकंप सुनामी अन्य तरीके से मिलते ही रहते हैं। ठीक है, मैं आपकी दो बातों का दो अलग अलग उत्तर दूंगा। एक तो इन्होंने ये कहा कि अर्वाचीन ज्ञान में जो दुरुपयोग किया जा रहा है, दुरुपयोग प्राचीन ज्ञान का भी यदि आपको देखना हो तो आप रामपाल जी और आसाराम जी जैसे ऋषियों को देख सकते हैं। और यदि दूसरी जो बात आपने पूछी, जो आपने कहा कि अर्वाचीन में जो प्राचीन में दोष नहीं है जो आपने कहा, तो प्राचीन में दोष कहां नहीं था, आपका विज्ञान कितना विकसित था आप रामायण काल को देख लीजिए। एक रावण के पास विमान था, बाकी किसी बड़े से बड़े व्यक्ति के पास भी नहीं था, आज कोई भी व्यक्ति विमान में बैठ सकता है। और वैसे भी आपने हमारे ज्ञान को स्वीकार कर ही लिया है। देखिए महोदय, जो आपका एक प्रश्न है, ये आपने कहा था कि कंप्यूटर की जो आप बात करते हैं, आपको यह भी पता होगा कि पहले जब कंप्यूटर नहीं था, किसी की चोरी करना बहुत मुश्किल होता था, बहुत पुरुषार्थ करते थे दस्यु लोग। लेकिन आज एक पासवर्ड यदि नहीं भी मिलता है तो फेक पासवर्ड के जरिए, जो प्लास्टिक मनी आई है उसके जरिए, कंप्यूटर के द्वारा जो हैक करते हैं इंटरनेट और पूरी पूरी वेबसाइट हैक करते हैं, सुरक्षा की जितनी वेबसाइट्स हैं सारी हैक करते हैं, सुरक्षा का उसमें बहुत बड़ा खतरा है, पैसा किसी का भी कहीं से कहीं भी जाकर हैक कर लेते हैं, सुरक्षा संबंधी जितनी भी जो बहुत ही गोपनीय बातें हैं वो भी हैक कर सकते हैं। कंप्यूटर के द्वारा आप कहीं भी बैठे ड्रोन के जरिए हमला कर सकते हैं, कहीं पर भी आप किसी भी महापुरुष को कहीं से भी उड़वा सकते हैं, मरवा सकते हैं। जितना ज्यादा दुरुपयोग इस कंप्यूटर की वजह से हुआ है उतना कभी भी प्राचीन ज्ञान में नहीं था। कंप्यूटर ने आते ही पहली बात बेरोजगारी बढ़ाई है, जिस कंप्यूटर को आप बार बार हेतु में रख रहे हैं। कंप्यूटर के आने से आप ये कहते हो ना कि बहुत काम आसान हो गया है, हजारों लाखों लोगों की नौकरी छीनी है उसने, उसी कंप्यूटर ने ही देश की सुरक्षा को खतरे में डाला है। पैसा किसी का भी सुरक्षित नहीं है, कोई भी डाल देता है लेकिन असुरक्षितता की भावना उसमें रहती है।
तो कंप्यूटर जितना लाभप्रद नहीं है उससे ज्यादा वो हानिकारक ही है। कंप्यूटर के कारण से आपका पैसा कितनी बार किसी ने चोरी किया? और दूसरी बात, सुरक्षा की जो बात कही, आज के विज्ञान ने जो सुरक्षाएं उपलब्ध कराई है वो सर्वश्रेष्ठ हैं। प्राचीन सुरक्षाओं की अगर आप बात करें तो राजा राम का उदाहरण मिलने को आता है, जिस राम की राजा होने के बाद उनकी पत्नी चोरी हो गई हो, वो काहे की सुरक्षा? महोदय, पहली बात तो यह है कि उस समय रामचंद्र जी राजा नहीं थे। पहली बात यह है, रामचंद्र जी राजा नहीं थे, आपने कहा है वो वनवासी थे, राजा नहीं थे, पहली बात तो यह है। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि देश की सुरक्षा खतरे में, अब नहीं है, पहले है। परमाणु हथियार अब इतने बन चुके हैं कि पृथ्वी को आप 7 बार नष्ट कर सकते हैं। तब रावण या राम मिलकर भी पृथ्वी को नष्ट करने की बात नहीं करते थे, जो भी युद्ध होता था धर्मयुक्त होता था। पहले उन्होंने, जब हमने माना कि वो उठाकर ले गए, वो भी एक छल था, छल के द्वारा वो ले भी गए, एक अबला नारी को ले भी गए, तो उसमें कोई महानता वाली बात हम भी नहीं मान रहे हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं युद्ध की बात, युद्ध धर्मयुक्त ही हुआ था, अधर्मयुक्त नहीं होता था। किसी भी देश के पास में आज तेल है, ड्रोन के द्वारा हमले करके वहां के लोगों को मारा जाता है, सिर्फ किस लिए? वहां कब्जा करने के लिए। ये किसकी देन है? ये प्राचीन ज्ञान की देन नहीं है। प्राचीन ज्ञान में क्या था, श्री कृष्ण जी कई बार पहुंचे कि यह युद्ध नहीं होना चाहिए, अंगद जी को भेजा गया था, हनुमान जी को भेजा गया था, कितनी बार शांति दूत बनाकर भेजते थे। उसके बावजूद जब महाभारत का युद्ध हुआ तो रेडिएशन बाहर ना जाए, श्री कृष्ण जी ने उसकी भी व्यवस्था की थी, ताकि रेडिएशन के द्वारा हमारे जो आम जनता है उस तक खतरा ना पहुंचे। आपके 1900 से लेकर 1950 तक 2 बड़े विश्व युद्ध हुए हैं, कितना रेडिएशन के द्वारा वहां लोगों को आज तक वहां अपंग पैदा होते हैं, वो किसकी देन है? वो अर्वाचीन ज्ञान की देन है। आपने ये एक शब्द प्रयोग किया, अधर्म युक्त, पहले युद्ध नहीं होता था, आज हो रहा है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, अभिमन्यु अकेला था और उसके विपक्ष में जो कितने सारे सैनिकों ने उसको घेर के अकेला मारा था, ये अधर्म युक्त नहीं था? दूसरा, आप जो अत्याचार के बारे में कह रहे हैं, इतने 5 महाबलियों की धर्मपत्नी और विषम पिता में जैसे महाबली की पौत्र वधु होकर भी जिसका भरी सभा में अपमान किया गया हो, इससे अधिक अत्याचार का कहीं उदाहरण मिलेगा आपको? एक हमारा यह विषय नहीं है, हम विषय से भटक रहे हैं। हमारा विषय दुरुपयोग का नहीं है, हमारा विषय प्रयोग का है। ठीक है, ये बात इन्होंने ठीक। अब जो आप लोगों ने पंचावयव के ऊपर अपने विचार रखे, थोड़ा और आप इस विषय पर केंद्रित हों कि आप इनके पंचावयव को खंडित करें। देखो, चर्चा हमारी आगे होनी थी वैसे, वो आपने अभी भी की है, अच्छा है, लेकिन थोड़ा मैं फिर एक बार पंचावयव पर केंद्रित करवाना चाहता हूं कि आप इनके पंचावयव को खंडित कीजिए। खंडित करने के लिए कुछ और कहना चाहते हो तो कह सकते हो, इनके पंचावयव का खंडन कर सकते हो तो कीजिए। सर्वांगीण विकास का जो उदाहरण आपने दिया, जो आज वर्तमान में दिया है, आप प्राचीन का कोई एक उदाहरण बताइए हमें। प्राचीन में भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, हमारे सप्तऋषि जमदग्नि, वशिष्ठ, अत्रि, भृगु आदि, एक नाम नहीं पूछे, उदाहरण पूछा, उनका क्या काम था, किस तरह से उन्होंने दिया नाम। भगवान श्री कृष्ण ने अपने समय में धर्म की रक्षा की, अन्य दुष्टों का नाश किया, नारियों की स्थिति के लिए प्रयत्न किए, धर्मयुक्त आचरण किया, पूरे देश में उन्होंने पूरे देश को, समाज को उन्होंने गीता का ज्ञान दिया। महोदय, इन्होंने जो बताया है वो इन्होंने ये बताया कि श्री कृष्ण जी ने क्या किया, इन्होंने ये नहीं बताया कि उस समय में सर्वांगीण विकास क्या हुआ। कृपया ये बताइए कि उस समय की परिस्थिति में क्या सर्वांगीण विकास था? प्राचीन ज्ञान को प्राप्त करने वाले का सर्वांगीण विकास होता है, क्योंकि प्राचीन ज्ञान सर्वांगीण विकास कराने वाला होता है। ज्ञान ऐसे आपको दिखेगा क्या कि उसका विकास होता रहेगा? वो किसी व्यक्ति में प्रतिष्ठित होगा, उस व्यक्ति के द्वारा ही विकास होगा। इनका तात्पर्य यह है कि
किसी व्यक्ति का विकास हुआ था, सर्वांगीण विकास नहीं हुआ उस समय का, और ये महानता उस व्यक्ति की बता रहे हैं, ना कि प्राचीन ज्ञान की। आप एक बार पुनः हमारे उदाहरण व्याप्ति को प्रतिज्ञा को पुनः ध्यान दें, शब्दशः सुने। इन्होंने जो उदाहरण दिया परम पूज्य स्वामी जी महाराज का अभ्युदय करने का, सर्वांगीण विकास करने का, तो सर्वाधिक कंप्यूटर का प्रयोग तो हमारे स्वामी जी महाराज कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, महाराज जी ने अभी परसों ही प्रसंग अवश्य एक बात में कहा था कि वो ज्यादा टैक्स सेवी नहीं है और कंप्यूटर आदि का प्रयोग व्यक्तिगत रूप से वो नहीं करते हैं, बाकी सहायक रूप में लोग करते हैं स्वामी जी के साथ चलने वाले, तो उसमें कोई विरोध तो नहीं है ना महाराज जी? महाराज तो करते हैं, महाराज जी का तो संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास वो प्राचीन ज्ञान ही है। एक बार फिर से कहिए आपने क्या कहा। मैंने ये कहा कि आपने कहा कि महाराज जी सर्वाधिक कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, कहा महाराज जी ने परसों ही प्रसंगवशात ये ऐसा कहा था कि व्यक्तिगत रूप से महाराज जी टैक्स हेवी नहीं है, कंप्यूटर आदि का प्रयोग नहीं करते। महाराज जी को जानने वाले मानने वाले फेसबुक फ्रेंड वो अपनी आत्म प्रेरणा से महाराज जी की बातों से प्रभावित होकर प्राचीन विद्या की पराकाष्ठा से वो नतमस्तक होते हुए वो उसको प्रचार प्रसारित कर रहे हैं फेसबुक पे व्यक्तिगत जीवन में, तो उससे मुझे कोई विरोध नहीं, वो तो अच्छा ही है, क्योंकि वो मान ही रहे हैं कि प्राचीन ज्ञान श्रेष्ठ, इसलिए वो आध्यात्मिक तरीके से भी उसका उपयोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्वामी जी जो उपयोग कर रहे हैं तो जिन वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं उन्हें श्रेष्ठ समझ के ही कर रहे हैं ना। ये अपने काफी चर्चा हो गई, अब ये उस तरफ नहीं जाएगी। आप दोनों से एक एक प्रश्न कर रहा हूं, एक दूसरे के पंचावयव की दृष्टि से। प्राचीन वालों का पंचावयव में हेतु था कि सर्वांगीण विकास करने वाला होने से प्राचीन ज्ञान श्रेष्ठ है, कराने वाला होने से। तो क्या आप इसका खंडन कर सकते हैं कि जो सर्वांगीण विकास कराने वाला होता है वो श्रेष्ठ नहीं होता? नहीं, हम इसका खंडन नहीं करते, हेतु का खंडन नहीं है। क्या आप ये मानते हैं कि प्राचीन ज्ञान सर्वांगीण विकास को कराने वाला नहीं है? प्राचीन ज्ञान जिस प्रकार से ये बता रहे हैं उस प्रकार से नहीं है। तो इनकी जो कमी है उसको आप पूर्ति कर सकते हैं जी, कि प्राचीन ज्ञान कैसे सर्वांगीण विकास करने वाला था, बताइए। प्राचीन ज्ञान, इसमें आप मुझे हराओ घोषित कर देंगे फिर? मैं नहीं करूंगा। तो आप इसको बताने को उद्यत क्यों हो रहे हैं? अच्छा, अब आप बताइए, इन्होंने कहा था कि जो प्रामाणिक होता है वो श्रेष्ठ होता है, जो प्रामाणिक होता है वो श्रेष्ठ होता है, इसमें आपको कोई अड़चन है या आपको स्वीकार्य है? जो प्रामाणिक होता है वो श्रेष्ठ होता है। जो प्रामाणिकता की परिभाषा व्यभिचारित है, इसलिए अन्यथा प्रामाणिकता से हमें विरोध नहीं है, पर इनका जो प्रामाणिकता है वही नहीं सिद्ध है, इनकी प्रामाणिकता ही गलत है। ठीक है, पहला उत्तर आपका सीधा ये आप दिया, आपने दूसरे ढंग से दिया कि जो प्रामाणिक होता है वो श्रेष्ठ होता है, ये आपको भी स्वीकार्य है, किंतु अर्वाचीन ज्ञान प्रामाणिक नहीं है, ये आपका कहना है, और जो प्राचीन ज्ञान है वो प्रामाणिक है आपके पक्ष के अंदर।